ये हमारे गांव के कुत्ते हैं, आराम करें आराम करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक एमरजेंसी की वजह से मैं गांव जा रहा हूं अपने और एक दोस्त के इंतज़ार में हूं, उसके साथ जाना है गांव। और चार्जर उठा लिया, अभी एक दोस्त ने आना है, उसके साथ जाना है गांव। मैं फोन को लॉक वगैरह लगा रहा हूँ। लॉक हो गया। चल चाबी। ये गलती से लॉक लगा दिया था पहले, अब चाबी मंगवाई है। अभी दोस्त के इंतज़ार में बैठा हूँ, फिर हमने जाना है गांव में। हमारे गांव में एक फौतकी हो गई है, वहाँ पर नमाज जनाजा अदा करना है। दोस्त मेरा गया है स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने। हमारा गांव तकरीबन यहाँ शहर से 45 किलोमीटर का सफ़र है, 1 घंटे का सफ़र है बाइक पर, और देखते हैं वो कब आता है। मैं उसके इंतज़ार में बैठा हूँ, फिर हमने मिलकर जाना है गांव, हमने गांव जाना है गांव। गाजर की आलू हमारे गांव की एंट्री चेक करें, हम दाखिल हो गए हैं अपने गांव में। ये खजूर फार्म है, ये आप देख सकते हैं। मैंगो फार्म भी साथ हैं लेकिन मैंगो नहीं लगते। काफी बड़ा फार्म है खजूर फार्म यहाँ पर। अब हम अपने गांव में जा रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर का है ना फासला, एक हाफ आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। मोटरसाइकिल था हाय हाय। अब हम अपने गांव में दाखिल हो गए हैं, हमारा पिंड। और माहौल साफ सुथरा माहौल। अब नंगली थोड़ी जूम करके बना लें, हमारी इजाजत। उसने नाश्ता नहीं किया हुआ। ये हमारे गांव में फूड पॉइंट है और जलीस भाई समोसा। ये हमने दो ऑर्डर दिए समोसों के, वकास भाई वो नाश्ता कर रहे हैं। वीडियो है, वीडियो ठीक है। अच्छा क्या आओ खाओ वो ठीक। ये था हमारे गांव का फूड पॉइंट, जहाँ से दलीस भाई ने दो समोसे हमें खिलाए हैं। अब हम जा रहे हैं ये अल वकास गर्ल पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। और तुम सुना तो भी ऐसे है ठीक है।
ये हमारे गांव के कुत्ते हैं, आराम करें आराम करें। डॉक्टर काशिफ इजाज हंजरा, ये कौन है? इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं सारी रात पर आ दिन में। ए हेलो कोई ए ए जैन की दे किदे किस रहने ने सरो गांव के बच्चे हैं। ये हमारे गांव का इमाम बारगाह है और साथ मस्जिद है। ये मौला गाजी अब्बास कालम है। ये हमारे इमाम बारगाह का सेहन है, छोटा दरवाज़ा साथ। ये मेन दरवाज़ा है और वो साथ फिल्टर लगा हुआ है। नहीं।